वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि शरणं शरणं हरि 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 हरि शरणं 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 हरि शरणं। शास्त्र संत महात्मा कहते हैं परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है,
संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, वो है ही है, उसको है कहते। और संसार सदा नहीं रहता, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी बदल रहा है और रहता नहीं है। ये दो बात, इन दो बातों में से संसार रहता नहीं है, बदलता, ये तो बात अनुभव की है, और परमात्मा है ये श्रद्धा की है, विश्वास की है। दो बात, दोनों बातों का हम ठीक विचार अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो परमात्मा सदैव अपने को प्राप्त है और संसार कभी भी प्राप्त नहीं है, ये दो बात निकलती है विचार करने से। ध्यान देना जरा, और शंका हो तो पूछना, फिर पहले ध्यान देकर सुनना। जब सब देश काल वस्तु व्यक्ति में है तो परमात्मा हमारे से दूर हो नहीं सकते, शास्त्रों की संतों की दृष्टि से परमात्मा सभी प्राप्त है। और ये भी अनुभव है कि संसार बदलता है तो हमारे को प्राप्त दिखता है, प्राप्त नहीं है, प्राप्त है ही नहीं, हमारे पास आए ही नहीं। हम तो देखो नित्य निरंतर अतुल सनातन ऐसे हैं, और संसार बदलता है, अवस्था बदलती है, शरीर बदलता है, सब बह रहा है साथ में तेजी से, जैसे कोई नदी बहती हो और पहाड़ खड़ा रहे, ऐसे आप तो खड़े रहने वाले, संसार बहने वाली नदी है, उसका साथ कैसा। तो संसार बहता है, वो हमें प्राप्त कहाँ हुआ, मिला कहाँ, हमें मिलता तो वो रहता कि संसार रहता, हम रहते संसार रहता तब तो हमें मिला, और मिला और बहता है, रहता नहीं है तो मिला कहाँ है। ये थोड़ी सी बात गहरी है कि संसार मिला नहीं है, किसी को नहीं मिला संसार, आज तक किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलना संभव ही नहीं। ये बात थोड़ी समझने की है कि मिला कहाँ, शरीर को मिला तो शरीर संसार ही है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण, ये सब संसार है। इसका आपस में मिलना होता है, उसको अपना मिलना मान लेते हैं। संसार संसार आपस में मिलता है, उसको अपना मान लेते हैं, क्योंकि शरीर को अपना मैं मान लिया, आप सही के साथ मिले, वो हमारे साथ मिला, हमारे साथ कैसे मिला। हम तो हरदम रहते हैं, ये रहता ही नहीं है, तो हमारे को क्या मिला। हम अपने को शरीर मान लेते हैं ना, तो सही साथ मिलने पर हम कहें हमारे को मिला, हम शरीर अपने को न माने तो शरीर को मिलने वाला हमारे को तो ही मिला, न माने कैसे, कैसे माने कैसे। बालकपन में मैं बालक हूँ, आज कहते मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं बालक हूँ आज आप नहीं कहते, तो मैं जवान हूँ या सदा आप जवान कहोगे, कैसे कहोगे, कहोगे तो बालक कह दो मैं बालक हूँ। तो बालकपन नहीं रहा तो जवानी वृद्धावस्था रहेगी क्या। जब ये बहती है तो कभी रहती नहीं, आप बहते ही नहीं, रहते ही हो, तो रहते और बहते का संबंध कैसा। ध्यान देकर थोड़ा इस पर विचार करें आप। इसी पर ये बात कही थी कि संसार को हम दो बार नहीं देख सकते, एक बार ये देखा दोबारा ये देखते तो वो नहीं रहा, वो बह गया। क्योंकि देखा दोबारा देखा उसमें बदला के नहीं संसार। आप लोगों से पूछे हैं कि संसार बदला के नहीं बदला, एक क्षण हमने देखा पहले दूसरे क्षण में संसार बदला के नहीं बदला,
बदल गया, दूसरे क्षण नहीं देख सकते, वो हमारे साथ कैसे रह सकता है? दूसरे क्षण देख ही नहीं सकते, उसको साथ रख सकते? थोड़ा गहरा विचार करो, एकदम ठीक समझ में आ गई बात। वर्षों की बात तो कहते हो बदल गया, तो वर्षों की बात बोलते हो, महीनों के बाद, दिनों के बाद, घंटों के बाद, मिनटों के बाद, सेकंड के बाद ही बदल गया। तभी तो वर्षों के बाद बदलता है, कैसे बदलता? तो ऐसा निरंतर जा रहा है उसको तो मानते अपना, और भगवान कभी नहीं जाते, सदा सबके साथ में रहते, कभी जा सकते ही नहीं, उसको अपना मानते नहीं, ये गलती है। तो उसको अपना नहीं मानते, ये गलती है, और संसार को अपना मानते, ये गलती है। एक गलती को भी ठीक दुरुस्त कर ले तो दूसरी गलती मिट जाएगी, और दोनों गलत बहुत ठीक है। संसार अपना नहीं है, तो संसार अपने क्यों दिखता है? हमने बड़ी गलती कर दी, जो अपना था उसको अपना मानना बंद कर दिया। तो नहीं है अपना, वो अपना दिखने लग गया। परमात्मा कहते हैं मम ही अंश, मेरा अंश है। संसार कभी नहीं कहता आपको कि मेरा अंश है। तो जो अपना है उससे विमुख हो गए, उसको अपना मानना बंद कर दिया, और जो अपना नहीं है उसको अपना मानना आपने शुरू कर दिया, तो अपना मानना अपना दिखने लग गया। ये बात है। तो अपना नहीं है उसकी सेवा कर दो, क्योंकि सदैव अपना पास रहता ही नहीं, तो उसकी सेवा कर दो। आगंतुक है, इनकी सेवा कर दो। और अपना नहीं है उसमें अपना मत मानो, तो सेवा कर दो और अपना न मानो, ये हमारा काम हुआ। अब कुटुंबी जो अपना दिखता है उनकी सेवा करो, माता पिता की करो, स्त्री पुत्र की करो, भाई भौजाई की, भतीजा की करो। खास घनिष्ठ संबंध माँ बाप होते हैं, स्त्री पुत्र होते हैं या भाई भौजाई होते हैं, ये नजीक के साथ संबंध है। इसके बाद दूसरे संबंध है, तो जो जो संबंध है उनकी सेवा कर दो, अपना मत मानो। दोनों गलतियां होती है, सेवा तो करते नहीं, अपना मानना छोड़ते नहीं, दोनों से बंधन होगा। अपना मानने से बंधन होगा और सेवा न करने से बंधन होगा। सेवा न करने से बंधन क्या कर्जदार होंगे? सेवा तो ले लेते और सेवा करते नहीं, तो बेईमानी होगी कि नहीं? बंधन बेईमानी होगी। सेवा ले लेते और सेवा करते नहीं, गलती होती। अरे अपना नहीं है, अपना मान लेते गलती होती है। तो अपना तो नहीं है, सेवा करें, ये दो काम कर रहे हैं, केवल दो काम। सेवा क्या? वो जो काम करता है उनका साथ दे दे, उनको बुरा ना समझें, भला समझें, और वो काम करते हैं उनकी सहायता कर दे, यही सेवा। कितनी सुगम बात है। अरे वो अपने में हो, जितनी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार हो, उन्हें काम में सहायता कर दो, और अपना मत समझो। अपना केवल सहायता करने के लिए अपना है। जैसे प्याऊ के ऊपर कोई जल पीने के लिए आवे, तो जल पाने के लिए अपना है, जल पा दो बस, फिर अपने सदा पर तुम्हें भोजन करा रहे हो, तो भोजन करे तब तक वो अपना है, भोजन कराने के लिए वो कर देते, वो अपना नहीं, केवल उसकी सेवा के लिए अपना है, अपने लिए वो नहीं। तो संसार में अपने लिए मत रहो, संसार के लिए रहो। ये संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या है। अगर अपने लिए रहोगे तो रोना पड़ेगा ही, कोई बच सकता नहीं,
अपने लिए अपने संसार भी वो होगा, रोना पड़ेगा, अपने लिए मान लिया दुख होगा, अपने लिए है नहीं, अपना है नहीं, अपने लिए नहीं है, हम इनके लिए हैं संसार की सेवा करने के लिए, तो अपनी सेवा करते रहता है। अगर ये सेवा का संबंध रखा जाए कि सेवा करना है इनके लेना नहीं है, तो मौज हो जाए, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात। सेवा करने के लिए अपने, लेने के लिए अपना नहीं, ये लेना ही बंधन है, लेने की इच्छा रखना ही बंधन है, लेने की आशा रखना ही बंधन है। क्यों बंधन है? कि पहले नहीं है वो ही तो लेता लेना चाहते हो, और पीछे रहेगा नहीं, तो मेरे लेना है और सुख भोगना, ये बंधन ही बंधन हुआ पूरा, क्यों पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, संबंध जुड़ जाएगा, संबंध को और बंधन को एक ही बात है। इस बार लेना नहीं है, देना है, सेवा करना है, लेने इच्छा रखना अगाड़ी, ये अगाड़ी बंधन करना है, और अपना मानना है ये पहले से पुराना बंधन है, तो सेवा कर देने से पुराना बंधन में हट जाएगा, नहीं लेने की इच्छा नहीं, नया बंधन होगा नहीं, खत्म होगा। इस वास्ते देखिए सेवा करना है, सेवा करने के लिए अपने, अपने लेने के लिए अपने नहीं है, तो अपना प्रभु हो तो अपना मांगना है, संसार अपना नहीं हो तो अपना नहीं मांगना है, तो सेवा कर देनी, अरे प्रभु के चरणों के शरण हो जाना है और इनकी सेवा कर देनी। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। हाँ हाँ, एक देखने वाले में थोड़ा सा अपना संबंध है, देखने वाला एक ही बारीक है, थोड़ी बात भोक्तृत्व है ना, अब ध्यान देना ये थोड़ी सी बारीक बात है, हम जो सुख के भोगता बनते हैं, तो सुख के भोगता बनते हैं ये एक मारने की बात है, बारीक जगह आप ध्यान दें, भोगता बनते हैं तो जिस सुख का हम भोग करते हैं उस सुख का क्षय होता है कि नहीं, उस वस्तु का भोजन करें तो वस्तु का नुकसान होगा कि नहीं, भोजन का किसी चीज को हम भोगेंगे तो उस चीज का नाश होगा कि नहीं, उसका नाश होगा, और भोगने की शक्ति नष्ट होगी कि नहीं, ये बताओ। जैसे भोजन करने को बैठे तो पहले जैसे भूख है वैसे भूख नहीं रहेगी, तो खाते खाते खाने की शक्ति नष्ट होगी कि नहीं, इधर शक्ति नष्ट होगी उधर वस्तु नष्ट होगी, क्यों नष्ट होने वाली है ये, परंतु सुख लोगे वो अपने आप में फंस जाओगे, वहां सुखी हो जाओगे तो वो आपका बंधन हो जाएगा, भोगने की शक्ति भोग की वस्तु तो नष्ट होगी, आपके बंधन होगा मुफ्त में, इसमें बारीक बात अब कहता हूं, भोगने की शक्ति का ह्रास होता है और भोग्य वस्तु का नाश होता है, भोगने की शक्ति कम होती है भोग्य वस्तु नष्ट होती है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ संबंध जोड़ने से आपका नाम भोगता होता है, जब भोग्य नष्ट हो गई और भोगने की शक्ति खत्म हो गई फिर आपका नाम भोगता नहीं रहेगा, भोजन करते समय मैं भोजन करता हूं ऐसा भाव होता है, और आचमन कर दिया फिर भोजन करता हूं ये भाव रहता है क्या, भोजन का कर्तृत्व तो नहीं रहता ना, ऐसे मात्र भोग का भोगतृत्व नहीं रहता है अपने में, ये बारीक बात है, इसको ठीक समझना है।
भोग्य वस्तु के नाश होने से, भोग शक्ति के ह्रास होने से मैं भोगता हूँ ये नहीं रहता है, परंतु अपने लिए भोगता हूँ तो ये शक्ति रहेगी। ऐसे दूसरों का हित करता हूँ, सेवा करता हूँ, ये सेवा करते हुए सेवा की भाव भी उदय हो जाएगा और सेव्य भी दूसरे हो जाएंगे, हम बिल्कुल निर्लेप रह जाएंगे। सेवा में सेवक हूँ, सेवक भाव भी मिट जाएगा। तो सेवा के साथ ही सेवक भाव था और सेवा के साथ ही सेव्य था, तो सेव्य और सेवा और सेवक ये भाव सब मिट जाएगा, तो निर्लिपता असंगता स्वतः रह जाएगी। ये कर्मयोग में इसका नाम कर्मयोग है। गुणों गुणों में बरतने वो ज्ञान मारे गए, गुणों गुणों में बरतने तो विचार है, विचार है ज्ञान मारे, और ये कर्म योग है कर्म मारे। दूसरों के लिए ही करें अपने नहीं, उनकी सेवा ही करना है। तो ज्ञान योग से जो प्राप्त होती है वो ही कर्म योग से प्राप्त होता है। ये सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम सब योगी रवि जम्य, गुणा गुणे से उबर्तन तय करके अपने निर्लेप रहते हैं। ऐसे ही सेवा दूसरों की करते हैं, सेव्य वे है, सेवा की सामग्री है, हम सेवक है, ये उसी तरफ हो जाते हैं तो हम ऐसे ही रह जाते हैं निर्लेप असंग स्वाभाविक। न क्रिया सब होगी, वो सब क्रिया होगी, मैं देखता हूँ ये नहीं रहेगा, देखना रहेगा। देख मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर का देखना होगा, मेरा देखना नहीं होगा। क्रिया होती रहेगी, गुण गुण पर उन्होंने कह दी क्रिया। मैं तो सीधी सरल बात कहता हूँ, वो ज्ञान की थोड़ी कठिन है। कर्मियों की सुख में वो बात भी आपने दिया नहीं, मैं कहूँ सेवा करने के लिए मैं सेवक हूँ, मान लो सेवक हूँ, मैं केवल सेवा करने के लिए और सेव्य की, तो सेव्य जो आगे संसार और सेवा जो कर रहा हूँ और सेवा की सामग्री और सेवा करने वाला मैं, वो सेवा में ही सेवा में खत्म हो जाएगा, आप असंग रह जाएगा। ये मतलब सही मैं नहीं हूँ, मैं नहीं छिड़ी मैं पहले गई थी बात, सेवा करने के लिए शरीर मेरा नहीं है तो सही की सेवा कर दो। नारायण नारायण, इस पर विचार करो फिर पूछो। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री रामधाम वृंदावन में दिया गया। राम राम।